कैंप्स में थोड़ा रिवर्सल आया है इतने ज्यादा डाउनफॉल के बाद। ठीक है, आज कैंप्स में अच्छा थोड़ा रिवर्सल आ गया है। देखिए स्क्रीन के ऊपर अगर हम देखें यहाँ पे, तो कैम्स ने जो फ्राइडे को प्रीवियस क्लोज किया था वो 2985 पे क्लोज किया था, और आज कैम्स क्लोज हुआ है 3140, अराउंड अराउंड 5% के ऊपर की ग्रोथ ले लिया कैम्स ने, तो थोड़ा सा रिवर्सल दिखा दिया। बहुत से लोग परेशान थे, बहुत से अच्छा खासा कैम्स के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हो गई है, अच्छा खासा करेक्शन हो गया है। अब बहुत से लोगों को लोग परेशान हैं कि इसके अंदर खरीदे या नहीं खरीदे। बहुत से तो वीडियोस मैंने ऐसे देखा कि कैम्स गिर जाएगा और खत्म हो जाएगा एकदम से, कह दिया बहुत से लोगों, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। कोई भी चीज में कंक्लूजन में आने से पहला हमें यह देखना है कि कोई भी शेयर या कोई भी स्टॉक अगर गिर रहा है, क्या वो फंडामेंटली वीक हुआ है, उसके फंडामेंटल में कोई प्रॉब्लम है या कोई एक्सटर्नल रीजन है। चलिए जानेंगे आज के दिन कैम्स के बारे में। तो जैसे कि मैंने बताया, कैम्स 3140 पे 5% ऊपर क्लोज हुआ है पिछले फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से। ओपन हुआ था 3039 पे, देखिए कितना अच्छा क्लोजिंग लिया है, 3039 पे ओपन होके 3140 पे क्लोज हुआ। हाई बनाया था 3160, तो वहां हाई से भी ज्यादा करेक्शन नहीं हुआ, लो बनाया 3026 का। ठीक है, अब देखेंगे दोस्तों कि कैम्स का जो फाइनेंशियल मॉडल है कैम्स का वो क्या है, फटाफट देखेंगे स्क्रीनर के ऊपर, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि मेजरली बहुत से लोगों को कैम्स का बिजनेस मॉडल अपना पता है। ठीक है, अब आते हैं हम कैम्स के बिजनेस मॉडल पे। देखिए मैं एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड इजी वे में आपको बता देता हूं जो कैम्स का बिजनेस मॉडल है। इधर कैम्स की वेबसाइट पे आके, तो कैम्स की वेबसाइट पे क्या कहता है, कैम्स इज अ टेक्नोलॉजी ड्रिवन फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस प्रोवाइडर टू म्यूचुअल फंड। एकदम बेसिक है, ज्यादा हमें जाना नहीं है। जो म्यूचुअल फंड है, बड़े बड़े जितने म्यूचुअल फंड है, HDFC, AMC, निप्पॉन, रिलायंस, जितने भी बहुत बड़े बड़े म्यूचुअल फंड है, उनको कैम्स अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है, उनको कैम्स अपनी सर्विस प्रोवाइड। अब क्या सर्विस प्रोवाइड करता है, मैं बेसिकली अगर आपको बता दूं बिना डेफिनेशन में जाए हुए, जैसे कि आप लोगों को कोई म्यूचुअल फंड खरीदना है, ठीक है, आपने समझो कि HDFC का म्यूचुअल फंड खरीद लिया, रिलायंस का म्यूचुअल फंड, निप्पॉन का। अब लाखों लोग, हजारों लोग म्यूचुअल फंड खरीदते हैं रोज। आजकल तो ऐप में से इतना ईजी हो गया है कि आप पेटीएम मनी या ग्रो या कुवेरा कोई भी ऐप में जाए म्यूचुअल फंड खरीद लोगे। ठीक है, अब वो जो जितना लाइव ट्रांजेक्शन हो रहा है, जितनी उनकी जो फीड्स है, रिकॉर्डिंग्स है कि ये डेट पे ये चीज खरीदा गया, इसका प्राइस इतना बड़ा, जो डेटा का जो कलेक्शन है, जो कैलकुलेशन है, वो जितनी भी चीज है, वो म्यूचुअल फंड को मैनेज करना बहुत ही डिफिकल्ट और हाईली इम्पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड ने ये हेडेक पाला ही नहीं, म्यूचुअल फंड ने क्या किया, इसे आउटसोर्स करके उठा के कैम्स को दे दिया कि भाई मेरा जितना भी ट्रांजैक्शन होगा, मेरा जितना भी डेटा होगा, हम आपको एक हिसाब से एक सेट बता देंगे, आपको ये चीज ये रखना है अपने पास और इसके ऊपर आपको हमें फैसिलिटेट करना है। तो कैम्स जो है म्यूचुअल फंड के जितने भी ट्रांजेक्शन है उन्हें होल्ड करता है, उनके उनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, उनकी जो बिजनेस है उसको चलाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे अब इसके अलावा अगर इनकी वेबसाइट्स के ऊपर अगर हम आए, देखिए कैम्स जो है ना, कैम्स एक ग्रुप्स ऑफ कंपनीज है, ये भी बहुत जानना जरूरी है। बहुत से लोगों को लगता है कि कैम्स एक सिंगल कंपनी, नहीं, कैम्स के पास और भी बिजनेस है। क्या क्या है कैम्स के ग्रुप, कैम्स KRA है, ठीक है, इन्वेस्टर सर्विस, कैम्स इंश्योरेंस रिपोजिटरी सर्विस लिमिटेड है, इसके बारे में डिटेल में आप वेबसाइट के ऊपर पढ़ सकते हैं। स्टर्लिंग सॉफ्टवेयर, देखिए ये कैम्स कंडक्ट इट सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन बिजनेस थ्रू सब्सिडरी, इनका एक सब्सिडरी स्टर्लिंग सॉफ्टवेयर जो कैम्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है एज अ सॉफ्टवेयर म्यूचुअल, तो स्टर्लिंग सॉफ्टवेयर की सब्सिडरी बना के रखा है, उससे प्रोवाइड करता है। कैम्स पेमेंट सर्विसेज है, कैम्स फिर सर्वे, तो कैम्स के पास देखिए अच्छा खासा दूसरा बिजनेस भी है। इनके सर्विस सॉल्यूशंस क्या क्या है, म्यूचुअल फंड्स में है, रिकंसिलिएशंस में है, लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड पेमेंट्स, AIF एंड PMS, अकाउंट एग्रीगेटर, इंश्योरेंस का, तो इनका जो बिजनेस है वो डाइवर्सिफाइड भी है। हाँ ठीक है, ये मानते हैं जो म्यूचुअल फंड से इनका मेजर बिजनेस जो रेवेन्यू है म्यूचुअल फंड से आता है, एसेट अंडर मैनेजमेंट से, AUM से। ठीक है, अब इनके अवार्ड्स के बारे में अगर हम देखें, ठीक है, देखिए दोस्तों इतना बता, अभी ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। देखिए दोस्तों मैं शॉर्ट वीडियोस बनाने में ज्यादा विश्वास नहीं करता, जब तक मेरा जो गोल है, जो मैं प्रोवाइड करना चाहता हूँ अच्छे से इन्फॉर्मेशन, वो प्रोवाइड नहीं होती, तो ये सब बताने की जरूरत, क्योंकि कैम्स गिर रहा है, गिरते हुए शेयर्स में कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, उसमें रुकना क्यों है, मैं क्यों आपको कहूं कि रुक जाओ या नहीं रुको, तो वो चीज बताना बहुत जरूरी है कि कंपनी क्या करती है, उसका फंडामेंटल कितना स्ट्रांग है। देखिए इनको अवार्ड्स कितने मिले, फिनोवेटी अवार्ड 2021, कैम्स 8 मैनेजमेंट सर्विस, डन, बहुत सारे अवार्ड्स हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं।
इनके मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं मैनेजमेंट 90% इज मैनेजमेंट, 10% इज प्राइस, ठीक है। अनुज कुमार इनके मैनेजिंग डायरेक्टर है, इनको 25 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस है, गोदरेज एंड बॉयस मैन्युफैक्चरिंग को लिमिटेड, ब्लोपास लिमिटेड, एस्कॉर्ट फाइनेंस, तो फाइनेंस में इनको 25 साल का। इनके जो चीफ प्लेटफॉर्म ऑफिसर है उनको भी 29 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इन आईटी सेक्टर एंड टीसीएस एंड विप्रो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि कैम्प्स अपना जो बिजनेस मॉडल है वो हमेशा आईटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा फोकस करके बताता है, ठीक है। तो ये मैंने कैम्प्स के बिजनेस के बारे में आपको बता दिया। अब अगर कैम्प्स का मैं फाइनेंशियल्स आपको बताऊं, ठीक है, कैम्प्स का जो, देखिए मैं पी पे विश्वास ही नहीं करता हूं, ठीक है, फिर भी जो लोग विश्वास करते हैं ये चीज जान लीजिए, अच्छी कंपनी हाई वैल्यूएशन पे ही मिलेगी। आप लोग प्रीवियस डेटा उठा के देख लीजिए अच्छी अच्छी कंपनी का, वो हमेशा हाई वैल्यूएशन पे रहे। तो जो लोगों को लगता है ये पीई बहुत बड़ा आज नहीं लूंगा, वो बैठे रहो, आपको स्टॉक मिलेगा नहीं, ज्यादा करेक्शन होगा नहीं, आप सर पकड़ के बाद में बैठोगे। कैम्प्स की जो यहाँ पे कैम्प्स ने जो हाई बनाया था वो 4.0067 का हाई बनाया था, ठीक है। तो अच्छा खासा करेक्टेड है अभी स्टॉक। कैम्प्स का डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 0 है, कंपनी पे डेप्ट ही नहीं है। कंपनी का अगर मैं यहाँ पे इधर हम नीचे आते हैं, ठीक है, कंपनी जब से लिस्ट हुई है, तो कंपनी ने अच्छा खासा रिटर्न दे दिया। कितना दिया है वो मैं आपको अभी बताऊंगा दूसरे टिकट टेप की वेबसाइट। इसका क्वार्टरली रिजल्ट हम देखते हैं, कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट जो है वो हाईएस्ट एवर है, जो जून का है 191 करोड़, इनका हाईएस्ट एवर है। तो लगातार कंपनी देखिए, लगातार कंपनी ग्रो ही कर रही है। तो कंसिस्टेंसी इज अ किंग, ऐसा नहीं है एक क्वार्टर में कोई कंपनी 500 करोड़ कर रही है, पिछले क्वार्टर में कंपनी 1000 कर रही है, किसी में 10 कर रही है। कंसिस्टेंसी दिखता है, ग्रोथ दिखता है, कंसिस्टेंसी दिखती है चीजों में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी काफी अच्छा है, ग्रोथ ले रहा है। कंपनी का नेट प्रॉफिट भी अच्छा है, इसीलिए कंपनी का ईपीएस आप देख लीजिए कितना बढ़िया है यहां पे, ठीक है। कंपनी का सेल्स भी जो है वो हाईएस्ट एवर है और लगातार ग्रोइंग है, कंसिस्टेंसी है ग्रोथ पे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी कंसिस्टेंसी है, नेट प्रॉफिट में भी कंसिस्टेंसी है कंपनी के, ठीक है। अब यहां पे अगर हम आएंगे, कंपनी का रिजर्व देखे, 410 करोड़ का कंपनी का रिजर्व है, बोरोइंग 0 है, बहुत ही जबरदस्त फैक्टर है कंपनी के पास यहाँ पे। कंपनी का कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी बहुत ही बढ़िया है कंपनी के पास। कंपनी के जो डेप्टर डेज है कंपनी के, वो भी लगातार कंपनी का कम हो रहा है पिछले 2011 के हिसाब से, और ठीक ठाक यहाँ पे कंसिस्टेंसी मेंटेन है कंपनी का, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी अच्छा है, लेकिन मैंने ज्यादा आरओई और आरओसी पे इस वजह से इसमें बात नहीं कही है क्योंकि कंपनी लिस्टिंग नहीं है, ठीक है, इसे और चलने दो, ये अच्छा रिटर्न देगी। प्रमोटर होल्डिंग्स जो है यहाँ पे 30.96 है, यहाँ पे FIIs की होल्डिंग 25.11 है, DII की होल्डिंग 21.1 है, पब्लिक की होल्डिंग जो है, पब्लिक की होल्डिंग में भी अगर मैं बोलूँ यहाँ पे 3, 1 और 5 या 10 के आसपास, मतलब यहाँ पे 10, 20, यहाँ पे जो है 50, 50, 70, 70, 80, 80, पब्लिक के आसपास अराउंड 15-20% ही यहाँ पे है। तो सब कुछ स्ट्रांग हैंड्स में, और अभी मैं आपको बताऊंगा इसमें से इन कुछ इक्विटीज बेचे भी गए हैं जो कि बहुत बड़ा रीजन है कैम्प्स के फॉल का, मैं अभी आपको दिखाता हूं यहाँ पे। अब कैम्प्स ने कितना रिटर्न बना के दिया है वो हम देखते हैं यहाँ पे। अगर एक साल का मैं कैम्प्स का यहाँ पे रिटर्न देखूं इस जगह पे, ओके, तो कैम्प्स ने 120% का रिटर्न बना के दे दिया है, ठीक है, एक साल में। कैम्प्स का अगर मैं यहाँ पे मैक्स देख लूं यहाँ पे, अगर तो 120% का रिटर्न बना के दिया, तो दोस्तों 120% का अगर रिटर्न बना के दिया है मिड कैप कंपनी है, मिड कैप कंपनियों में आपको ये एकदम लिख लेना है कि मिड कैप कंपनी में जब राइज होता है वो भी शार्प होता है, अच्छा खासा होता है, लार्ज कंपनीज के हिसाब से अच्छा खासा मिड। अगर किसी लार्ज कंपनी में कोई न्यूज या कोई इवेंट से 5% राइज होगा, मिड कैप में वो 10 हो जाएगा, ठीक है, और फॉल भी उसी हिसाब से होता है। किसी लार्ज कैप कंपनी में फॉल अगर 5% रहेगा तो मिड कैप में आपको ध्यान रखना है वो 10, 15, 20 भी हो सकता है वहां पे, और स्मॉल कैप और माइक्रो कैप की तो बात ही मत करो, कुछ भी होता है उन स्टॉक्स में, ठीक है दोस्तों। अब यहां पे अगर हम देखें कि कैम्प्स के अंदर फॉल क्यों हुआ है, अगर कितना फॉल हुआ है मैं अगर यहां पे आपको बताऊं इस जगह पे, यहां पे, ठीक है, इस जगह पे कैम्प्स के अंदर फॉल कितना है, अगर यहां से हम गिने, इस जगह से अगर हम फॉल गिनते हैं, इस जगह से जब उसने हाई बनाया था यहां से अभी तक का फॉल जो है कैम्प्स का वो अराउंड 23% का फॉल है, ठीक है दोस्तों, अराउंड 23% का यहाँ पे फॉल हुआ है। अब ये कब हुआ था, देखिए कहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये सितंबर से स्टार्ट हुआ है, अभी अक्टूबर चल रहा है, लेकिन आप अगर यहाँ पे देखेंगे जो ये कंपनी ने यहाँ से ना थोड़ा थोड़ा यहाँ से जुलाई के आसपास से
ये चीज हिलना शुरू हुई है। अब ये रीजन क्या है मैं आपको बता रहा, कंपनी लिस्ट हुई अराउंड सेप्टेम्बर के आसपास पिछले साल, एक साल का लॉक इन पीरियड होता है, ये चीज आप ध्यान, एक साल का है ना सीबी का लॉक इन पीरियड होता है। जो भी इन्वेस्टर्स इक्विटी रेस करके आईपीओ रेस करके आते हैं उसमें, वो बेच नहीं सकते एक साल तक प्रॉफिट बुकिंग में। जैसे ही एक साल कंप्लीट हुआ है ना, आप यहाँ पे ना चार्ट के ऊपर या डेटा एनालिसिस कर लेना, वहां से पिछले तीन महीने से ना इस पे प्रॉफिट बुकिंग चालू थी। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें इनका एक बहुत ही मेजर प्लेयर IIFL, देखिए IIFL प्राइवेट इक्विटी हैज कंप्लीटली एग्जिटेड इन इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी कैम्स फॉर 353 करोड़ का प्रॉफिट बुकिंग करके निकल गया। अब 350 करोड़ का अगर प्रॉफिट बुकिंग होगी किसी कंपनी में, और ये एक साथ नहीं हुई है, एक ही दिन में नहीं हो गई है, ठीक है ना, ये आहिस्ता 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 बेच बेच के ये लोग निकल गए यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। और ये जो न्यूज है ये एकदम से बूम नहीं हुई है, ये न्यूज भी इसके अंदर जो आप टीवी देखते हैं उसके अंदर मैंने देखा ज्यादा दिखाया नहीं जा रहा है, आप अगर अच्छे से सर्च करेंगे थोड़ा डिक करके तो आपको ये मिल जाएगा ये न्यूज, ठीक है। तो ये एक वजह है कैंप्स के फॉल होने की। सेकेंड देखिए और एक चीज होती है, जब कोई बड़ा प्लेयर जब कोई स्टॉक को बेचता है तो जब स्टॉक गिरता है ना उसके साथ कुछ रिटेल लोग भी उसके पीछे पीछे जुड़ जाते हैं कि भाई ये तो स्टॉक गिर रहा है मैं भी, तो वहां पे एक सोने पे सुहागा हो जाता है स्टॉक के गिरने में और प्राइस ड्रॉप हो गया है। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं देखूं ये हो गया एक फैक्टर, ये मैंने आपको मेजर है। सेकंड चीज देखिए इतना 120% का रिटर्न बना दिया मिड कैप स्टॉक है, तो आपको मेंटली ये प्रिपेयर रहना ही है, जब भी ये मिड कैप स्टॉक करेक्ट होंगे 10-15-20% के आसपास करेक्ट हो जाए, इतना ज्यादा रिटर्न बना के दिया आप तो करेक्ट तो होना ही है ना दोस्तों। अब करेक्ट होगा नहीं क्या स्टॉक ऊपर ही, अरे लार्ज कैप ऊपर नहीं भागते हैं लगातार वो भी करेक्ट हो जाते हैं, तो मिड कैप है ये तो करेक्ट होना ही होना है। तो इस चीज का मेंटली आप प्रिपेयर करके रखिए, तो कोई भी फंडामेंटली इसके अंदर कोई भी चीज गलत नहीं है, जिसके वजह से कोई भी फंडामेंटल रीजन नहीं है इस फॉल का। इस फॉल का दो कारण है जो मैंने आपको बता दिया, जो एक तो प्रॉफिट बुकिंग हुआ, उसके साथ रिटेल इन्वेस्टर्स भी जुड़ गए बहुत सारे प्रॉफिट बुकिंग करने के चक्कर में, ठीक है। और सेकेंड चीज जो है अपना इसके अंदर जो मैंने आपको बताया कि स्टॉक काफी भाग गया है, काफी अच्छा रिटर्न दिया है, तो करेक्शन तो होगा ही, प्रॉफिट बुकिंग तो होना ही है, इसके अलावा मुझे तो कोई रीजन यहाँ पे दिखता नहीं है यहाँ पे। अब आते हैं इसके चार्ट के ऊपर, ठीक है, ये सब मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ इसके चार्ट के ऊपर कि कैंप्स के अंदर। अभी देखिए एक और चीज मैं NSE के डेटा में आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। देखिए 42% का अभी भी डिलीवरी क्वांटिटी है, अभी भी डिलीवरी, देखिए अभी जैसे मैंने आपको बताया ना 42 मतलब 58% लोग अभी भी मतलब डिलीवरी नहीं लिए हैं, ठीक है ना। तो 42% का डिलीवरी, ये भी अच्छा क्वांटिटी, मतलब लोग खरीद रहे हैं, तो भाई कौन खरीद रहा है अगर ये स्टॉक गिर रहा है इसमें फंडामेंटली भी दोस्तों। देखिए बहुत से बड़े प्लेयर, अच्छे रिटेलर्स भी हमारे जैसे, और बहुत से ऑपरेटर्स भी जिन्हें पता है ना, ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है कैंप्स में दोस्तों। जिन लोगों ने नहीं लिया है और जिन्होंने लिया भी है वो SIP के फॉर्म में इसे खरीद लो, और गिरता है तो और SIP के फॉर्म में खरीदो, एक साथ पैसा नहीं लगाना है किसी भी स्टॉक में, ठीक है दोस्तों। और जो इन्वेस्ट जो जिन्होंने नहीं किया है वो भी इसमें जा सकते हैं, ठीक है, अपनी स्टडी करके जाना, मेरी कोई सजेशंस मत ले लेना एकदम से कि हाँ सर ने बोल दिया तो मैं वो खरीद ही लेना है। आप स्टडी करो, ये मैंने मेरे हिसाब से जितना मैं एजुकेट आपको कर सकता हूँ क्या, आप अपना स्टडी करो, अपने हिसाब से अपने डिसीजन से लेना, मेरे बोलने से कुछ भी मत लेना, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं हम स्टॉक के ऊपर। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये मैंने पहले ही मार्क करके रखा था, मैंने इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि मैं वेट कर रहा था कुछ चीजों का। अगर ये आपको मैं ट्रेंड लाइन दिखाऊं, देखिए यहां से ये स्टॉक ना इस ट्रेंड लाइन में घूम रहा था। अब मुझे ये चीज पता थी, ये जिस दिन ये ट्रेंड लाइन तोड़ेगा तो ये यहाँ पे करेक्ट होगा, लेकिन मुझे ये भी पता थी ये जब यहाँ से करेक्ट होगा, देखिए यहाँ पे मैंने एक डेटा बनाया है इस जगह पे, ये जो है ना यहाँ पे मैं थोड़ा आपको बड़ा करके दिखाता हूँ, ठीक है, यहां से जो स्टॉक है ना इस ट्रेंड लाइन की व्यू को तोड़ के इस जगह पे, यहां आप देखिए यहां पे मैं थोड़ा आपको मार्किंग करके दिखाता हूं, ये ट्रेंड लाइन में चल रहा था, ऐसे 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 चल रहा था, जैसे ही इसने ये ट्रेंड लाइन तोड़ा इस जगह से, देखिए इस जगह से यहां पे स्टॉक ने मूव दिया बहुत ही बड़ा यहाँ पे। अब यहां से ना थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आना शुरू हुई, यहां से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आना शुरू हुई, तो स्टॉक देखिए ऐसा ऐसा गिरा, फिर वहां तक जल्दी पहुंचा ही नहीं। फिर यहां पे देखिए जहां से इसने प्रीवियस मूव दिया था, आप लोग समझिए जहां पे इस जगह से इसने प्रीवियस मूव दिया था, यहां से फिर ये ऊपर टकरा के ऊपर गया, तो ये इसका क्या बना, ये इसका सपोर्ट बना बहुत ही स्ट्रांग, जो जहां से प्रीवियस ट्रेंड लाइन इसने ब्रेक किया वहां पे इसका सपोर्ट स्ट्रांग बना है वहां पे। और अगर मैं इस चीज को यहां से निकालूं, इस चीज को
ठीक है इस चीज को, तो ये अभी भी उसी सपोर्ट पे है। इस जगह पे मैं अगर ये मार्किंग करूं आपको, ये अभी भी उसी सपोर्ट पे, देखिए यहां टकराया है और 5% का मूव दे दिया जो आज के दिन दे दिया है। तो दोस्तों सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल चार्ट काम करते हैं, 100% काम करते हैं, बस आपको पेशेंस रखना है। दोस्तों आप कितने भी चार्ट उठा के देख लो, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस पे चीजें दिखेंगी और वहां से रिवर्सल आता है। अब वो हो सकता है नीचे आए, ऊपर आए, थोड़ा कंसर्ट है, वो आपको सबर रखना है। अगर आप फॉल बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं तो आप स्टॉक मार्केट के अंदर ना आइए एकदम से भी, आपको बहुत ही ज्यादा झटका लगेगा। अगर आप फॉल बर्दाश्त कर सकते हो और आपको आपकी कंपनी पे भरोसा है, तो मैं तो यहाँ कैम्प्स के अंदर इन्वेस्टेड हूँ और कैम्प्स में और भी मेरे पास पैसा आएगा तो मैं इन्वेस्ट करूंगा कैम्प्स के अंदर, इसे डिप में खरीदूंगा और अगर डिप होता है तो और खरीदूंगा, मुझे इस कंपनी पे पूरा भरोसा है। बाकी आप अपनी स्टडी कर लो, ठीक है दोस्तों, आपको जो लगता है आपके डिसीजन आपके ऊपर है। ठीक है दोस्तों, होप मैंने आपको कैम्प्स के बारे में बता दिया होगा, आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, कोई भी फंडामेंटल प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो इसे लाइक करो, अपने दोस्तों और कलीग्स में शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।